गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। मैंने हाँ, बच्चे आज गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो वे स्टार्ट विद आवर लेक्चर बच्चों। हमारे टीचर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम आपको जलचर प्राणियों के बारे में बताने वाले हैं। जलचर प्राणी कौन से बच्चों? हाँ, ये पृथ्वी, विशाखा और स्मार्ट बच्चे, सब पता है इनको। बेटा आज हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से प्राणी ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं। ठीक है, जो पानी में रह सकते हैं, जैसे पक्षी है तो क्या वो पानी में रह सकते हैं क्या? तो उसी लिए आज हम उन प्राणियों के बारे में जानेंगे जो पानी में रह सकते हैं, और पानी में रहने वाले प्राणियों को हम कहते हैं जलचर प्राणी। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी स्क्रीन देखिए। नाश्ता करो आप। आज का सुविचार कौन पढ़ेगा? आज का क्या सुविचार है हमारा? खूब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना? हम सभी को खूब पढ़ना है और पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे ना बड़े होके। अच्छा, आज की तारीख क्या दिनांक है? आज 26 तारीख। यस, आज हम यस 26 तारीख। जलचर प्राणी, ये देखो, ये है जलचर प्राणी। कौन है? मेंढक। मेंढक, हाँ, जो पानी में रहते हैं, है ना? मेंढक और कछुआ। बाप रे, ये चित्र देखो, इसमें कितने सारे हैं। देखिए कौन कौन है इसमें, आपको देखते सबके नाम पता है क्या? चित्र देख के आप नाम पहचान जाते हो सबके। कछुआ, यस, कछुआ, सांप, मछली, मछली, मगरमच्छ, मगरमच्छ। ये कौन है? ये बच्चों, ये कौन है? मछली। यस यस यस, डॉल्फिन। हाँ, ये सीप, ये भी एनिमल, सब है। ठीक है, ओके। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ मैंने नाम लिख कर रखा है। ये तारे की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना, स्टार की तरह। और ये सब और बगल में पानी है, देखो। यानी ये समुद्र के अंदर पाई जाने वाली मछली है, बाहर हम इसे यूजुअली नहीं देख सकते। ये है तारा मछली। कौन सी मछली है? तारा मछली। हाँ, इंग्लिश में। ओके, अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे स्टार फिश। स्टार यानी स्टार और मछली यानी फिश। तो इंग्लिश में भी इसका नाम क्या याद करना है आपको? स्टार फिश। ओके, जरा ध्यान देखो, स्टार की तरह बिल्कुल इसका शेप, इसका आकार वो बिल्कुल स्टार की तरह है, तो हम इसे बोलेंगे तारा मछली। कितने अच्छे से चित्र, कितना सुंदर चित्र मैंने आपके लिए निकाला है। वाह, ये देखो, पानी में, समुद्र में, नीचे एकदम अंदर ऐसा ही दिखता है। आपको पता है हमारा समुद्र एकदम, जब गहराई में हम जाएंगे तो ऐसी रंग बिरंगी, इतनी सारी फिशेस देखो, कितनी रंग बिरंगी फिशेस हैं, कलरफुल, इतनी कलरफुल फिशेस देखो, ब्लैक कलर की फिशेस, येलो फिशेस, दिख रही है सबको?
ये देखो नीला नीला पानी, और बच्चों ये सब क्या है? मछली नहीं, मछलियां नहीं है, क्या है? क्या बोला आपने? ट्री। हाँ, समुद्र के अंदर है ना, किनारे किनारे पे और बहुत नीचे गहराई समुद्र तल में, अपने आप कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, तो ये वो है। ठीक है, मछलियां इसमें अपना खाना बनाती हैं, घर बनाती हैं, छुप जाती है जाके इसके अंदर, है ना? ये सब वो है, ये समुद्र के नीचे। आपने देखा है कभी समुद्र के अंदर गहराई में कैसा दिखता है? नहीं। ऐसे कितना ब्यूटीफुल है ना। तो ये जलचर प्राणी है, ये पानी में जल के अंदर रहने वाले प्राणी हैं। इनको कितनी मजा आती है पानी के अंदर। आइए अब हम दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों। ओके, ये कौन है? बत्तख। नो, बत्तख नहीं है ये। डॉल्फिन। डॉल्फिन भी नहीं है ये। मैंने उसका नाम भी लिखा है। आप यस, पेंगुइन। लेकिन बच्चों पेंगुइन एकदम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? आप उनको सामने से देखेंगे ना तो वो बड़े होते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो इस तरह से छोटे दिखने लगते हैं। आपको क्या लगता है ये इतने छोटे हैं? नहीं, ये पानी के अंदर है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये सब पानी है। ये पानी के अंदर पेंगुइन है। ओके बच्चों, अब मैं आपको पेंगुइन पानी के बाहर पेंगुइन की फोटो दिखाती हूँ। ये पेंगुइन देखो पानी के किनारे कितने सारे पेंगुइन्स हैं, देख लो कितने सारे पेंगुइन्स हैं पानी के बाहर। फिर जब इनकी मर्जी होती है, इनको मस्ती करनी होती है, खेलना होता है, तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, घूमते हैं। इनका तो घर है, खूब एंजॉय करते हैं वहां पे, है ना? और जब इनकी मर्जी होती है पानी के बाहर आ जाते हैं। देखो हम इंसानों की तरह दिख रहे हैं ना, खड़े खड़े दो पैर, देखो उनकी कैसे हैं। ये देखो ये पैर हैं इनके, कैसे पैर हैं, और ये हाथ, ये वाला, ये पेंगुइन देखो कैसे अपने पंख फैलाए हुए हैं। ये पेंगुइन होते हैं, ये एकदम ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक होती है। बर्फ में आते हैं तो ये बर्फ में रहते हैं, और बर्फ के अलावा पानी। तो पेंगुइन का पानी का फोटो हमने देखा, देखो कैसे दिख रहा है छोटू सा पैर, देखो इसके कैसे जॉस है ना, क्लॉस। और अब यहाँ देखो ये बड़े बड़े पेंगुइन। तो एक बार हम वापस से रिकैप करते हैं ताकि आप भूल ना जाओ पानी के में रहने वाले जलचर प्राणियों के बारे में। तारा मछली, कलरफुल, और पेंगुइन, तीन जन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है बच्चों, जलचर प्राणियों में। अब ये कौन है? ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है ना? ऑक्टोपस के कितने हैंड होते हैं? गुड, मैंने बताया नहीं उससे पहले ही आपको पता है। ओके वेरी गुड। तो ये देखो जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लो। ये देखो ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैंड्स हुए? 8। ओके, ये है ऑक्टोपस, ये भी जलचर प्राणी है, ये भी पानी के अंदर पाया जाता है, पानी के बाहर नहीं। ये देखो इसकी, ये कैसे दिखता है ऑक्टोपस, हमने हमेशा देखा है इसके 8 ये जो हाथ है ना ऐसे फैले रहते हैं पानी में तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। सी दिस, ये कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही बनाया भगवान ने ऑक्टोपस को, ऐसा ही बनाया है। ये भी ऑक्टोपस है, इसके भी 8 हैंड्स है। देखे आपने इसके 8 हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैंड्स है इसके भी? 8
एक मिनट में इरेज कर दूं। तो ये रहा ऑक्टोपस, ये भी पानी में रहता है और ये जो पिक्चर दिखाई ये भी, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों है क्या एक ही एनिमल ऑक्टोपस, ओके एक ही प्राणी। अब बच्चों ये कौन है? कछुआ। पर हम इसे बोलेंगे टर्टल, क्या बोलेंगे? टर्टल। क्योंकि बच्चों जो कछुआ होता है ना वो जमीन पर रहता है, पानी में नहीं जाता, पानी में स्विमिंग नहीं करता, पर जो टर्टल होता है वो पानी में रहता है, वो जलचर प्राणी। कौन? टर्टल। तो आप इसे क्या बोलेंगे? टर्टल। ऐसे हिंदी में सबको कछुआ बोलते हैं पर हम इंग्लिश में इसे कहेंगे टर्टल, यानी टॉर्टोइज नहीं, टर्टल अलग है टॉर्टोइज अलग है। आप कछुए को टॉर्टोइज बोलते हो ना? हाँ। अब हम कछुए को टॉर्टोइज बोलेंगे पर जो पानी में रहता है उसको टॉर्टोइज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? टर्टल। क्या बोलेंगे? टर्टल। गुड, सारे बच्चे बोलो टर्टल। ये देखो मैंने सभी फोटोग्राफी जो लिए है ना वो पानी के अंदर लिए हैं ताकि आपको समझे कि ये सारे पानी में स्विमिंग करते रहते हैं। देख लो ये भी जलचर प्राणी है, ये भी पानी में तैरता है, पानी में रहता है, वहीं खाता है, वहीं इसका घर है, टर्टल। ओके ये देखो वन मोर टर्टल, देखो कैसे उसके पंख, देखो बच्चों कैसे है, कछुए के ऐसे पंख नहीं होते, और कछुए का जो ये बॉडी होती है ना ये वाली बॉडी, ये भी बहुत बड़ी और ऊंची ऊंची उठी हुई होती है, कड़क कड़क, इसकी वैसी नहीं, इसकी अलग है बॉडी, इसके ये जो स्विमिंग करने के लिए जो इसके पॉज वो भी अलग है। ठीक है बच्चों? तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम? टर्टल। टर्टल, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रेन, सब मेरे बच्चे एकदम स्मार्ट हैं और वो याद रखेंगे कि इसे टॉर्टोइज नहीं कहना है, इसे टर्टल बोलना है। बच्चों अब आ गई हमारी, कौन आ गई? पानी में कौन इतना हाई जंप लगाता है? डॉल्फिन। मेरी तो फेवरेट फिश है, पता आपको, मेरा फेवरेट एनिमल डॉल्फिन है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट और इतनी हाई जंप लगाती है और हमेशा हंसती रहती है, खुश रहती है, एकदम नाचती रहती है, डांस करती रहती है, म्यूजिक मतलब एंजॉय करती है। कौन? डॉल्फिन। आप कभी भी देखेंगे तो डॉल्फिन ऐसे नाचती रहेगी, कूदती रहेगी, मस्ती करती रहेगी। डॉल्फिन जो है बहुत ही अच्छा एनिमल है और समुद्र में ये बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगाती है, एकदम ऊपर ऊपर तक जाके वापस पानी में जाती है। ये भी जलचर प्राणी है, ये जमीन पर रहती है क्या? नहीं। सर आप बार बार बच्चों को म्यूट क्यों कर? इसे भी बोलेंगे जलचर प्राणी। ठीक है, ये जलचर प्राणी में एक नाम और ऐड हो गया और वो है किसका? डॉल्फिन। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन है एनिमल। ओ ये देखो बच्चों, आपने इतनी सारी फिशेस देखी है एक साथ? नहीं। देखो जलचर प्राणियों में इतने सारे एक साथ पानी में रहने वाले जानवर, सारे प्राणी एक साथ स्विमिंग करते हैं पानी में, है ना? ये भी समुद्र के नीचे गहराई की तस्वीर है बच्चों, पानी में एकदम गहरे में। ठीक है, ये है कौन है? ये मगरमच्छ। मगरमच्छ, अरे वाह, आप तो देखते ही पहचान गए, मुझे लगा थोड़ी छोटी फोटो है तो आप नहीं पहचानोगे। ये देखो ये पानी में भी रहता है मगरमच्छ और पानी के बाहर भी आकर थोड़ा रेस्ट करता है, कभी कभी ये पानी के बाहर भी आता है और कभी कभी पानी के अंदर भी रहता है। मगरमच्छ, हाँ अंदर भी रहता है। तो देखिए कैसे मगरमच्छ पानी के अंदर इतना बड़ा मुंह खोल के रेडी है कि कोई आए और उसको खा जाए, वो है ना वेट कर रहा है अपने खाने का कि कौन आएगा और मेरा खाना बनेगा। जैसे कोई जानवर दिखेगा उसको छोटा मोटा, डॉग या कोई रैबिट या कोई डक कुछ भी, वो बड़ा मुंह खोलेगा और उसको फंसा लेगा अपने मुंह में, और इसके इतने बड़े मुंह में से कोई बाहर निकल सकता है क्या?
कोई नहीं निकल सकता। तो ये है मगरमच्छ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन है। ओके बच्चों, ये क्या है आपको पता होगा? शंख। हाँ, तो आपको पता है कि शंख भी पानी में, समुद्र से पाया जाता है, पानी में मिलता है। बच्चों के अंदर है ना, ये एक कवर होता है, इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर इस तरह का कवर बनता है। किस तरह का कवर? शंख के जैसा, ऐसे ऐसे शेप का कवर बनता है। ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये शंख दिख रहा है ना आपको? ये जो खाली जगह है ना, इसके अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं ये भी। और क्या आवरण, तो उसको कवर करने के लिए ये आवरण होता है, बाद में उसमें से कीड़े निकल जाते हैं जब, तो ये शंख बचता है, इसको हम यूज करते हैं। ये भी एक समुद्र में पाए जाने वाला प्राणी है जहाँ से हमें शंख मिलता है, जिससे समझ में आया आपको। और ये बताओ, पीछे कोई बात मत करो। ये क्या है? सीपी। ये है सीपी। ये सीपी होती है, आपकी किताब में भी इसका चित्र दिया हुआ है, पर आपकी किताब में जो चित्र है वो साफ नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप, मैं जो चित्र दिखा रही हूँ वो देखिए, किताब में शंख का भी चित्र है और सीपी का भी चित्र है, पर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से जो मैं दिखा रही हूँ। सीपी भी, इसके अंदर भी कीड़े होते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे, उसको कवर करता है ये सीपी का आवरण। उस कीड़े को कवर कौन करता है? ये सीपी का, जो ये जो आवरण आपको दिख रहा है ऐसे बड़ा सा, ये हाँ, ये आवरण कीड़े को कवर करता है। तो ये दोनों कीड़े समुद्र में पाए जाते हैं, ये दोनों जो जलचर प्राणी है ना, सीपी शंख, ये समुद्र में पाए जाते हैं। इंग्लिश में हम शंख को बोलेंगे सी शेल्स। क्या बोलेंगे? सी शेल्स, या सिर्फ शेल्स भी बोल सकते हो, शेल्स। और ये सीपी। ओके, अब हमने बहुत सारे जलचर प्राणियों के बारे में जाना, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। आवाज आ रहा है, वो वीडियो देखिए आप ध्यान से, अगर इसमें आवाज नहीं आएगी तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आवाज आ रही है सभी बच्चों को? नहीं। तो मैंने पूछा था ना आवाज नहीं आएगी तो मुझे बताना। नहीं आ रही है टीचर। ठीक है, ओके। जो पानी में रहते हैं उन्हें हम जलचर प्राणी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिश, जिसे हिंदी में हम मछली भी कहते हैं। टर्टल, जिसे हिंदी में हम कछुआ कहते हैं। डॉल्फिन, व्हेल मछली, ये सबसे बड़ी मछली होती है। किलर व्हेल, इसको हिंदी में मांसाहारी व्हेल कहते हैं। शार्क,
जिसे हिंदी में हम मगरमच्छ कहते हैं, स्टारफिश, क्रैब जिसे हिंदी में हम केकड़ा कहते हैं, सीलफिश, सी लायन, जेलीफिश, सी हॉर्स जिसे हिंदी में हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, ईल जिसे हिंदी में हम बाम मछली कहते हैं, मैनेटी, ऑक्टोपस, पिराना, श्रिम्प इसे हिंदी में हम झींगा कहते हैं, स्ट्रिंगरे, वॉलरस, हिप्पोपोटामस जिसे हिंदी में हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, क्लाउनफिश, ऑयस्टर जिसे हिंदी में हम सीप कहते हैं, स्क्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। बच्चों, आपकी जो किताब है, आपकी किताब में भी कुछ चित्र दिए गए हैं, तो जिसके पास किताब नहीं होगी वो मेरी स्क्रीन देखेंगे, और जिसके पास किताब किताब में देखेंगे, ठीक है बच्चों, किताब में देखेंगे। किताब में देखकर हम जिन जलचर प्राणियों के चित्र दिए गए हैं उन प्राणियों के नाम पता करेंगे, ठीक है। अब हमने आपको वीडियो भी दिखा दिया और आपको पूरे प्राणियों की जो जलचर प्राणी है उनकी जानकारी भी दे दी, जितने चित्र आपकी किताब में है, ठीक है बच्चों। तो आप निकालिए उसमें पेज नंबर 49, ये पेज नंबर आप निकालिए, पेज नंबर 49, जलचर प्राणी। अब इसमें आपको जो जो प्राणी दिख रहे हैं आप मुझे उसके नाम बताइए, जिसके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहला जो चित्र है ये, इसका क्या नाम है? लकड़ी, केकड़ा, केकड़ा, क्या नाम है? केकड़ा। अब जो दूसरा चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है इसका नाम बताइए। कोई पीछे से बोलो मत और बच्चों को बताओ मत, उनको अकेले पढ़ने दीजिए, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये दिखाया था मैंने सीपी, दिखाया था आपको, आपने तब ध्यान नहीं दिया है ना, पीछे बातें करने में लगे थे। ये सीपी, ये है वो, ये क्या है, ये बोल सीपी क्या है, ये देखिए ताकि आपको अगली बार पहचानने आए, सीपी, ठीक है। अब आपको बताइए ये क्या है, शंख, किसने बताया? वेरी गुड, जिसने भी शंख बताया उसने सही बताया, वेरी गुड।
अच्छा ये बताइए, स्टारफिश। वेरी गुड। मतलब स्टारफिश ऑक्टोपस। ये बताइए फिश यानी मछली। तो अच्छे से फिश यानी वीडियो में आया था। झींगा। ओके झींगा, ठीक है झींगा मछली है। ओके और ये बड़ा वाला जो प्राणी है ये तो सबको पता है, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल बोलो, क्रोकोडाइल। हाँ हमें कोशिश करनी है प्राणियों के नाम अंग्रेजी में याद करें, क्रोकोडाइल। ठीक है हाँ। और ये कछुआ। कछुआ पर जो पानी में रहता है वो कौन होता है? कछुआ टर्टल। टर्टल पानी में रहता नहीं, टर्टल पानी में रहता, टर्टल जमीन पे रहता है, टर्टल पानी में रहता है। बोलो टर्टल। जो कछुआ आपकी किताब में दिया हुआ है ना, पैर देखो कैसे हैं, हाथ और पैर। जो टर्टल होता है उसके ऐसे नहीं होते, अलग होते हैं। हाँ, मैंने आपको चित्र दिखाया था, वापस दिखाऊं? अच्छा ठीक है एक मिनट। यस मिस। एक स्विमिंग करने वालों के जैसे होते हैं ना वैसे। और जो कछुआ होता है उसका देखो चित्र में दिया हुआ है आपकी किताब में, देखो कैसा है। टर्टल के ऐसे स्विमिंग वाले होते हैं। हम सब पहचानते हैं प्राणियों के बारे में। अब हम अगली कक्षा में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है बच्चों, कुछ नया पढ़ेंगे। ओके मिस। यस मैडम, हाँ। अच्छा बच्चों आपको एक मुझे गुड न्यूज देनी है, मैं मंगलवार को आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मंगलवार और गुरुवार दो दिन आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, और सैटरडे को और ट्यूजडे और थर्सडे को हम इंग्लिश पढ़ेंगे। आप एक मिनट में आपको इंग्लिश की किताब दिखाती हूँ, आपके पास है सबके पास? टीचर मैंने छुट्टी है। कल का छोड़ो, कल तो छुट्टी है, ट्यूजडे मंगलवार को आप सब इस किताब के साथ रेडी रहना, ठीक है? हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके कल छुट्टी है। आपने सुना वह मैंने कहा क्या बोला? आज कल छुट्टी है। हाँ तो संडे है तो कल तो छुट्टी ही होगी ना। यस ट्यूजडे को सब बच्चे ये किताब लिख के साथ रेडी रहेंगे। ओके okay?